गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। पर यार मैं आज काफ़ी मतलब अपसेट हूँ ये चीज़ देख के कि मैं भी अपनी बाइक से आ रहा था अपने घर की ओर। तो जैसे आज 14 नवंबर भी है, चिल्ड्रन डे, तो मैं देखता हूँ कि एक मैं आपको बताने से पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि वीडियो में क्या होता है। तो मैं आपको वीडियो की एक छोटी सी क्लिप देता हूँ, आप उसे देखिए और उसके बाद उसमें सोचना कि आपके मन में क्या सवाल आपके प्रति आते हैं उस वीडियो के देखने के बाद। तो एक बार आप वीडियो को देख लीजिए। तो वीडियो में आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जो एक कूड़े का जो कूड़े उठाने वाला ट्रक होता है, गाड़ी होती है, तो पीछे कूड़े के ढेर में बैठा है। मतलब जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए कोई राइट्स नहीं है, कोई अच्छे वो नहीं है। मतलब वो हम बच्चा कोई बाहर का नहीं है, वो हमारे इंडिया का देश का सिटीजन है, हमारे उत्तराखंड का है, लेकिन उसे ही पूरे राइट्स मिलने चाहिए, उसे अच्छी जो प्लेस मिलनी चाहिए। बड़े उतना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा आपकी जो गंदगी है सारा उठा के लेके जा रहे हैं, पर उसे एक अच्छा खुद के लिए एक अच्छा प्लेस नहीं है। जो कूड़ा उसने उठाया उसी कूड़े के ढेर में वो बैठा है, और उसके चेहरे पर इतनी निराशा थी, और जो बैठा था वो कि मतलब किस उसी मजबूरी रही होगी कि वो काम कर रहे हैं। पहले तो वो 14 साल से भी छोटा बच्चा होगा जहाँ तक मैं, और वो इस प्रकार से काम कर रहा है। तो जो देख के मुझे बहुत अपसेट हुआ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। मेरे मन में सवाल है क्या मैं सच में मतलब प्राउड करूँ अपने खुद पे, अपने जो ये अपने देश पे, अपने जो लोग ये व्यवस्था है इन पर प्राउड करूँ या ना। तो काफ़ी खुद पे मुझे अपने आप पे सवाल कि क्या मैं कुछ नहीं कर रहा उसके लिए। और वो गाड़ी जा रही थी तो बच्चा उसमें बैठा था, मतलब बहुत ही बेकार चीज़ है। आपने वीडियो देखी होगी, आपके मन में खुद भी वो सवाल उठे होंगे कि ये क्या है। अगर आप एक अच्छे नागरिक हो तो आपके मन में खुद सवाल उठा होगा। आप तो साहब उस वीडियो को इतनी शेयर करें ताकि ये उस बच्चे या किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो जो एक इंडिया का या किसी देश का अच्छा नागरिक हो, उसके साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। और आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उस बच्चे को उसके सारे अपने अच्छे अधिकार मिले। जिस एज में उसे कॉपी किताब खेलना खिलौने उसके हाथ में, मुझे वो उस एज में कूड़े के ढेर के ऊपर बैठ के गाड़ी में जा रहे हैं, यहाँ तक कि उसे एक अच्छी जगह सीट तक जगह तक नहीं थी बैठने के लिए गाड़ी में। तो यार बाकी ये वीडियो थी मैंने आपसे शेयर की, सोचा वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँ, फिर आप लोग अपने रिएक्शन उसमें बताना क्या होना चाहिए, और हो सके देर से शेयर करना ताकि उसे अच्छा रहने के लिए और खाने के लिए मिले, और अच्छी हो अपनी पढ़ाई कर सके और हमारे देश में तरक्की में अपना कुछ योगदान दे सके। धन्यवाद।